ही बढ़िया था। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका पार्ट टू में आउटराइडर्स। हमने पार्ट वन में आउटराइडर्स की पूरी पूरी कहानी देख ली, अलग अलग क्लासेस को सिलेक्ट करना था। हमारी पतलून कहाँ चली गई? हमारी पतलून दिख ही नहीं रही है। चलिए दोस्तों, हम चालू करेंगे लेवल टू बिना पतलून के। हमारे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। मे भी गेम प्ले के दौरान हमें नई पतलून मिल जाए। बिना पतलून के सिर्फ गन लेके हम बढ़ेंगे आगे। लास्ट इसमें हमने देखा तो हमें काफ़ी क्लास सिलेक्शन मिला थे, अलग अलग क्लासेस थे। आज हम उसमें का एक ही क्लास सिलेक्शन चालू करेंगे। ये लास्ट स्टोरी के रिकैप है। जी हाँ दोस्तों, तो यहीं हमारे क्लास, चार क्लास है। हमें यहाँ पे चूज योर पाथ लिखा हुआ है, टेक्नोमेंसर, पायरोमेंसर, ट्रिक्स्टर और डिवेस्टेटर। तो गाइस आज हम डिवेस्टेटर खेलेंगे। तो ये क्लास बहुत ही तगड़ा क्लास है, ये टैंक क्लास है और इसमें काफ़ी अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज़ है जो हम चेक करेंगे वन बाय वन। लेट्स फॉलो दिस पाथ। Okay. तो ये डेमो के हाइलाइट्स है। हम पूरी की पूरी स्टोरी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें ऑल चारों के चारों क्लासेस दी गए हुए, हम चारों चारों की क्लासेस हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हम डेफिनेटली हम चारों क्लासेस का वीडियो में लेके आऊँगा। अब हम चालू करेंगे डिवेस्टेटर से और फिर हम अलग अलग क्लासेस का, ट्रिक्स्टर, पायरोमेंसर, हर एक का वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और साइड क्विज भी है डेफिनेटली।
तो एज ऑफ नाउ मुझे तीन स्पेशल एबिलिटीज के 1, 2, 3 अगर आप नीचे बॉटम में देख रहे हो तो ये दिखाई दे रहे हैं। आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है अगर आप देखो तो इफेक्ट्स अंडल इंजन का पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से उसका I don't belong on this side. What the? Oh shit. Fuck it. Questions later! Whoa. Did I do that? How is this happening to me? सारे के सारे ऊपर बैठे हुए हैं। अरे ये जिनेट मारा। अच्छा हमने अभी हमारी नई एबिलिटी है। तो इसमें एबिलिटी का रिचार्ज टाइम है अगर आप देखोगे नीचे ये रिचार्ज हो रही है तब तक हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्या बढ़िया बढ़िया एबिलिटी है। यहाँ से नीचे खड़े रह के उनको तीनों को भी छाड़ दिया। क्या बात है। Fuck this! Run! Hold your position! They got a freak! Fall back! Are they running from me? All right. I could get used to this. But yes, my friend. शायद यहाँ शॉट आगा नहीं आ पाएगा कोई नीचे ही जाना पड़ेगा। काफी स्मूथ गेम प्ले है। बहुत ही स्मूथ चल रहा है गेम प्ले। अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो 2060 RTX वाला है विद 6GB वीडियो रैम। जी हाँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है ये। बहुत ही ऑन द सारे गेम्स काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट में चलाता है। हालांकि नए जो RTX ग्राफिक्स है 3000 सीरीज के वो और भी तगड़े हैं बट एज ऑफ नाउ हमारे पास 2060 ही है। टैंक होने का फ़ायदा यही है कि हम काफ़ी हद तक बुलेट्स को झेल सकते हैं।
सही हेडशॉट्स ले तो बहुत ही जल्दी हम एनिमीज को ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। बट हालांकि हमने जस्ट गेम चालू किया तो हमें थोड़ा सा एमिंग के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि गेमिंग मैकेनिक हर गेम के अलग होते हैं डेफिनेटली। एबिलिटी रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है कि सारे ऊपर बैठे हुए और अपने एबिलिटी के वहाँ पे हमला करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मज़ा आ रहा है काफ़ी। अगर आप एक्शन पैक गेम प्ले है आउटराइडर्स का हेड शॉट्स लेंगे तो काफी इफेक्टिव होता है। जबरदस्त इफेक्ट है गेम के। और बैटलफील्ड भी बहुत ही बढ़िया डिजाइन की गई हुई है। मजा आ रहा है काफी। शॉटगन मिल चुकी है हमें, बढ़िया। ओके, तो हमें एक नई शॉटगन मिले जो हम इसके साथ नहीं, यहाँ पे खाली साइड आर्म्स हम रख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम शॉटगन रख सकते हैं। तो शॉटगन हमेशा एक क्लोज रेंज के लिए होती है, हालांकि इसके साथ हम कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते अगर हम लॉन्ग रेंज पे हम तो शूट करते हैं तो, बट क्लोज रेंज पे ये काफ़ी दमदार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव। अरे बाप रे, हर शॉट में शॉटगन की वजह से एनिमी आप देखोगे तो स्टंट हो रहा है हल्का सा, इसी वजह से वो वापस एम नहीं कर पा रहे हैं हमारी तरफ, जो कि हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। और इसे बोलते हैं असली शॉटगन का मजा, क्लोज रेंज। क्लोज रेंज में तो पूरे धजियां उड़े आ जाती है पूरी तरह से। This can't be real. अरे बाप रे, ये तो फ्लेम थ्रोर वाला है, तो बहुत भारी गिरेगा हमें।
can. तो ऐसे ही मार सकता आराम से तो। अरे बढ़िया, क्या बढ़िया मारा है। ओ हमारी लेवल 3 भी हो गई, मजा आ रहा है दोस्तों। लेवल 3 हो गई हमने अभी जस्ट। एक दो टैंक जिनके पास बहुत ही जबरदस्त फ्लेम थ्रोअर थी और जो बहुत ही खतरनाक चार्ज कर रहे थे हमारी तरफ से, हमारी तरफ हमने उनको ऑलरेडी छाड़ दिया है। बहुत ही बड़ी। अच्छा हमारे पास नई एबिलिटी है गोलम। ओके सही है दोस्तों, मज़ा आ रहा है काफ़ी। हमारी नई एबिलिटी टेस्ट करते हैं गोलम वाली। हमें शॉटगन पसंद है शॉर्ट रेंज के लिए। फिक्स बहुत ही बढ़िया है। एनवायरनमेंट देखो क्या क्रिएट किया हुआ है, जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। इसे पूरा एक your stink of Enoch. Your kind are abominations, exile. Who the hell are you? Outrider. Impossible. Such untapped power, such confusion. You want answers. Whatever you were before, you're something new now. A second life. Don't waste it. Who was that? Lord Zenth? He's altered. Angus, a little man. A little man. Altered? What the fuck does that mean? You. You don't know what you are. Where'd you steal that uniform? Didn't. It's mine. Yeah? If he's really an outrider, then you fight on the wrong side, altered. What are you talking about? Yeah, the Grand Marshal, she'll explain. Come. Loading, but chalo. इतनी भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, काफ़ी फास्ट है। Where is she? There. There. What is that? Go, go, go. Do whatever you have to do, Lieutenant. Shira? You're alive. I'm sorry to disappoint you. You came from their side. You got any intel for us? Are you fucking kidding me? Look, I got a war to win, so either you help me or you get back into cryo. Hold on. I've just woken up to mud and shit. I've been asleep for God knows how many years. 31 years.
So for 31 years, I've been seeing people fight and die while you were getting comfy in cryo. So excuse me for not throwing you a little welcome party. What happened to you? The anomaly. That's what happened. You mean that storm? We told them not to land. Anything more advanced than a grease engine got fried. All our data wiped out. We couldn't grow crops or make medicine. So we ended up in the same place as when we left Earth. Just killing each other over the little we have left. Why didn't you go somewhere else? The Outriders could have... The Outriders are dead. What? And the anomaly keeps us in this fucking valley. We can't go anywhere else. You don't get it, do you? You think you're dreaming? This is real. Believe me, it's fucking real. So whether you like it or not, you're stuck here in the mud and shit like the rest of us. You should have never woken up. Why didn't miss out on all this? Grand Marshal, we're too late. The Hounds have him. He's been taken underground. Well, get him back. Well, it may be our side, but that's not our turf, ma'am. I'm not losing people over Yakub. Yakub? He's still alive? Not too much longer, it seems. Then I'll go find him. Ma'am? Ma'am? Never mind. We've got it covered. The insurgents took everything I had left. So, ये और भी हमें डिटेल दिए गए दी जा रही है यहाँ पे. मिल चुकी है जो कि लेवल 3 है और 66 आर्मर वाली. चलो बढ़िया है, बिना पतलून के से अच्छा तो पतलून के साथ ही अच्छे दिख रहे हैं. अच्छा, हमें और कोई और भी बेहतर गन्स चाहिए जिससे हमारी फायर पावर और बढ़े. फायर पावर हमारी 117 है जो हमें बढ़ानी है. हेल्थ भी बढ़ाना है. आर्मर ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी है सो दैट हम हेड ऑन जितने भी बुलेट्स आ रहे हैं हम झेल पाए. अच्छा, ये नया वाला जो है गोलम प्रोटेक्शन. ओके, सो 8 सेकेंड तक ये प्रोजेक्टाइल्स होल्ड करता है, मतलब जो भी बुलेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं 8 सेकेंड्स के लिए हम 65%, तो हम आराम से उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं या झेल सकते हैं आप बोल सकते हो. और भी एबिलिटीज़ है जो हमें अनलॉक करनी है. देखिए, जैसे जैसे हम लेवल अप होंगे डेफिनेटली हमें सारे एबिलिटीज़. और यस, ये बहुत ही बढ़िया वाला क्लास पॉइंट्स वाला सी ये पूरा मैप है. देखिए, इस पर हम अलग अलग तरह से हमारे क्लास को मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग स्किल्स को ऐड करके हम और भी हमारे कैरेक्टर को पावरफुल कर सकते हैं. तो इसमें 3 है ऑप्शंस. बेसिकली हमने डिवेस्टेटर लिया हुआ है, उसमें वार्डन है, उसमें सेस्मिक शिफ्टर है और वैंकुलाइजर. तो ये हम जैसे पॉइंट्स ऐड करेंगे वैसे वैसे ही हम सब क्लास में हम और भी बेहतर हो सकते हैं. हालांकि हमारे पास अभी कोई पॉइंट्स है नहीं. हमने दिखाई नहीं, शायद हमारे पास कोई पॉइंट नहीं अभी. तो हमें थोड़ा सा और गेम प्ले करेंगे, हम थोड़ा और गेम करेंगे ऑब्वियसली, और थोड़े एनिमीज को मारेंगे तो डेफिनेटली हमारे इसमें लेवल अप के साथ क्लास पॉइंट्स भी मिलना चालू हो जाएगा. Hey, Shira. I'm geared up and tracking down Yakub. Now, who the hell are these assholes? They're thugs, drug runners, and child slavers. They call themselves the Hounds. And believe me, no one's gonna miss them if you put a few dozen in body bags.
Why the hell haven't you done something about them already? Honestly? Because their black market keeps our soldiers happy. And at least they're not eating their own fucking kids like the insurgents we're fighting out there. Yeah, I met a few of them. Not so friendly. Guy's crazy or something. Super sad that you did that. Locked in a padded cell. Back on Earth. इस समय हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये भी हमें और लेवल अप होने की ज़रूरत है. यहाँ का जो मार्केट है वो हमारे लिए खुल जाएगा और हम गन्स बाय कर पाएंगे. अच्छा, ये गेम की और एक बढ़िया चीज़ है जहाँ पे हम कोऐप मतलब कोई हमारे दोस्त के साथ हम खेल सकते हैं. बहुत ही मज़ा आता है जब कोई दोस्त हमारे साथ ज्वाइन होता है गेम खेलने के लिए. मैच मेकिंग भी है बट एज ऑफ नो हम अकेले खेलेंगे सोलो बिकॉज हमें सारे एबिलिटीज चेक करने हैं. अगले गेम प्ले में हम डेफिनेटली मैच मेकिंग या तो कोई दोस्त को हम हमारे साथ खेलने के लिए बुला लेंगे. नोएडा देने पर डेफिनेटली कोई कोई दोस्तों हमारा ज़रूर आएगा. It ain't fair. Nothing to see here. No, you've come to the wrong place. So what did the old guy do? Just off the box. Looking for Yakub Dabrowski. Go away. Listen, asshole. You got a gun pointed right at your... Ah! 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 What the hell is going on out there? बहुत ही गलत होती है. बहुत ही डार्क एनवायरनमेंट है. सही तरह से पता लगना कि एनिमी कहाँ पे है थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. जैसे वो फायर करते हैं तो ग्रो होते हैं तो पता लगता है कि एनिमी मोर पे है.
हमें पीछे जाना पड़ेगा। गोलम वाली जो हमारी एबिलिटी होगी बहुत बढ़िया एबिलिटी है, 8 स्किन के लिए हम सबसे हद तक बुलेट्स को झेल पाते हैं। शॉट गन ही बढ़िया है, शॉर्ट रेंज। परेशान कर रहा था वो बढ़िया डिज़ाइन है गेम की। मतलब मैंने जितने कोशिश की आगे बढ़ने के लिए हर बार मुझे पीछे धकल दिया गया।
और भी ज्यादा. Now where's Jacob? आ रहे थे कंटिन्यूस. जाना कहाँ है? यहाँ से तो हम आए थे वहाँ. कुछ मिला हमें. लास्ट टाइम हमें पतलून मिली थी, अब हमें हेलमेट मिल चुका है 56 आर्मर वाला, और अपर आर्मर भी मिल चुका है 61. तो हमारी आर्मर 306 हो चुकी है दोस्तों. हेल्थ अभी भी 104 है और हमारा फायर पावर भी 107 हो चुका है. हमें नई गन की भी ज़रूरत है, बहुत ही तगड़ी गन चाहिए जिसमें हमारी फायर पावर बढ़े. अब जो गन हम यूज़ करिए बहुत ही वीक गन है. चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. आ गया कटसिन. नाइस आइज. हे वो वो सॉरी गाइस, आई थॉट दिस वाज़ द बाथरूम. यू ओके? आई हैड इट अंडर कंट्रोल. Been a while. Do I know you? Kurva! Then I thought you were dead. You'll soon be dead if you don't get your ass to Shears right now. Shira. All right. Come meet me there when you're ready. Shira, I got Jacob out in one piece. He's on his way to you. That old drunk just refuses to die. Come join us. We have some catching up to do. So fast travel भी दिया गया हुआ है, जो कि बहुत ही time saving है. हम फटाफट एक जगह से दूसरी जगह instantly जा सकते हैं. और ये रहा basic travel, अभी travel map. काफ़ी गेम्स में ये फास्ट ट्रैवल की सुविधा दी जाती है और वो काफ़ी हद तक आसान कर देती है गेम प्ले, बिकॉज हमें बार बार उतने लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ता. तो ये फ्लैग से हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं. बढ़िया. अच्छा, फाइंड अ पार्टी. ओके, ज़रूर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बट अभी नहीं. अभी हम सोलो गेम खेलेंगे थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए. तो हमें नई गन की बहुत ज़रूरत है. जाते वापस यहाँ से. ओके, ग्रैंड मार्शल्स गॉट अस पेट्रोल. इफ यू सी गुपन देख रहे हो कि कितनी फास्ट स्मूथ गेम प्ले है यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑन द. चलो अगले क्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. अभी दोस्तों हमें नई गन की ज़रूरत है. आई होप अगले क्वेस्ट में हमें नई गन मिल जाए जिससे हमारा फायर पावर बढ़े और मज़ा आएगा.
No, because he won't. Because he can do what the fuck he wants. Hey, never been so happy to see a familiar face. You haven't aged a day. You got old, my friend. In the hallway, that was Seth. What was he doing here? Ignoring our pleas for help. I thought it was on your side. Seth, he's not on anyone's side. The insurgents have altered their walking nightmares. We're lucky Seth shows up to fight them back sometimes, but only if it fits whatever the hell game he's playing. Hey, damn it. You have no idea how bad it is, Outrider. We thought we escaped the apocalypse. We thought we could start over again here. But we were wrong. I was wrong. Shira. Do you know why I'm in charge? Because I'm the only officer left alive. The insurgents at our door. They're feral, sadistic. They have us surrounded. We're low on food and bullets. And if those freaks don't kill us, this planet will! Welcome back. The black fungus in the forest. We never found a cure. The mountains are filled with abominations. And the anomaly storms get bigger every year. We don't have much time left. If we don't find a way out of this valley, if we don't find a miracle, this last shred of humanity is over. Shira! Well, would you look at that? I can do things now. I don't understand, but maybe there's a reason. Yes, you are. I guess I know why I saved your damn life all those years ago. I'm sure this isn't exactly what you had in mind. I'm not complaining. Still, I don't get it. The day we landed, that storm, it tore Cuthbert apart, but not me. Why? Why was I... altered? Who the hell knows? When those storms hit, some get ripped inside out, some turn pink polka dot, and a few come back. Fucking immortal. Nothing about the anomaly makes sense. It disrupts the laws of nature. It mutates whatever it touches. Early on, the ECA's best scientists tried to understand the storms, to tame them. None survived. I guess you got lucky, boss. Or maybe not. All I care about is that you are on our side. Our only supply line is blocked by an altar that our weapons cannot touch. Out by the old solar array. Seth had no interest in helping us, but now, you're here. Hell, why not? Maybe I can buy humanity another day. Lieutenant, what the hell was that? The whole front line just collapsed! Like an earthquake, or I think we lost our whole first line of defenses! On my way. Go, go, go! Hey, in case I don't get another chance, I tried to find you. But it all went to shit. We had to run for our lives. I just... Forget it. I'm alive. We should have been dead 10 times over, if not for Tanner, if not for Shira. I'm the one with dues to pay now, Yakum. Boss, I miss you. It's good to have you back. Now go beat that altered ass for us. So we can get back in this goddamn fight. दोस्तों हालांकि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लेवल 4 हो चुके हैं या दोस्तों मैक्स हेल्थ बढ़ चुकी है एबिलिटी पावर बढ़ चुकी है और ग्रेविटी भी बढ़ चुकी है 30 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस टू कैच अप ऑन सो इफ यू मेक इट बैक इन वन पीस कम एंड आस्क मी बट आई डोंट प्रॉमिस आई विल हैव ऑल द आंसर्स चलो और ये मजा आने वाला है अगर आप सच में इस गेम प्ले को मजा कर मुझे मज़ा ले रही है गेम प्ले का तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए हमारे
फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोज हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आप एंजॉय करते रहेंगे बढ़िया कंटेंट आपके फेवरेट चैनल से टेक ट्यूब। और हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल टेक ट्यूब @247, जी हाँ दोस्तों उसे भी आप फॉलो कीजिए। ये हमारा हैंडल है टेक ट्यूब 247 इंस्टाग्राम के लिए। Hey man, why can't we just get the altar to go at it? Any altar that fight with us are a luxury soldier, not a crutch for you to lean on. एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास अब क्या क्या है। तो हमारे पास एक बेटर शॉटगन आ चुकी है, पंप एक्शन शॉटगन, इसे हम डेफिनेटली चेंज कर लेते हैं। ये 07 थी और ये 117 है। हालांकि क्लिप साइज 6 ही है, बट हमें अगर 8 वाली क्लिप साइज मिली है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि रिलोड टाइम फिर हमारा थोड़ा कम हो जाएगा और ज़्यादा गोलियां डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट देती है गेम प्ले की तरह दोहरा। ओके, तो ये हमने देखा नहीं था, ये जर्नल है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पीपल ऑफ इंटरेस्ट, हर कैरेक्टर को यहाँ पे, जैसे ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था आउटराइडर कैप्टन, तो इनका पूरा बायो है यहाँ पे हर कैरेक्टर का। एट द सेम टाइम एनिमीज का भी वैसा ही है, हर चीज़ का डिटेल दिया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी अलग अलग जोन्स हैं। आप अगर देखोगे तो हम रिफ्ट टाउन वॉरजोन वैली में थे, रिफ्ट टाउन में है अभी, तो अब हम देखते हैं क्वेस्ट मैप। अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ जाना है, अगले क्वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। इन्वेंटरी तो हमने देखी है, स्किल्स के लिए हमारे पास ग्रेविटी लिप आ चुका है। हाँ दोस्तों, बढ़िया वाला ग्रेविटी लिप, ये हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। क्लास में हमारे पास अभी तक क्लास पॉइंट्स नहीं आए कोई, हालांकि हम जैसे आएंगे तो हम डेफिनेटली उसको भी ये करेंगे। ओके, ये प्रोग्रेशन के रिवॉर्ड्स सारा तामझाम है यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। Watch where you're going. This is the last place you want to step. Tanks are drawn. So you think we'll be getting this if I had those kind of powers? I guarantee at least one will strike your fancy. क्योंकि ये साइड क्वेस्ट है दोस्तों, हम इसको अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि साइड को इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें गन्स या ओ स्टोर आ गया दोस्तों, बढ़िया। कम सी व्हाट वंडर्स आई हैव फॉर सेल। अनदर टाइम मिस्टर, आई एम हैविंग वन शिटी डे। बिटर विंड ब्लोस फॉर अस ऑल। कम, हाउ अबाउट अ लिटिल हॉट टी। नॉट मच ऑफ एन इन्वेंटरी। Don't mind all this crap, honored one. I keep all the good stuff. Should have paid, old man. You're altered. I didn't know. Think I care? He was about to show me the good stuff. Just acting on orders. Whose orders? Barker, he runs the Hounds gang. He's trying to take out all the vendors in Rift Town. It won't work for him. First fucking day. How the hell does the ECA expect traders to make do without government subsidies?
बढ़िया। तो हमारे पास एक पुरानी शॉटगन थी जो हम बेच नहीं पा रहे, बट ain't nothing free. दोस्तों हमने एक ये साइड क्वेस्ट ले ली थी, मुझे लगा यहाँ से एंट्री है स्टोर के लिए, बट हमने उस साइड क्वेस्ट खा ली। कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे। What the hell happened? The insurgents dug underneath my troops, blew the whole goddamn front to hell. If you can't open the supply line, we're done for. ओ बढ़िया, हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये वाली दाढ़ी बढ़िया है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम बाल भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि ये वाले बाल हमें वैसे भी पसंद है, बट ये वाले बहुत ही फनी है। ये वाला कैसा लग रहा है दोस्तों? ये देखिए क्या बढ़िया हेयर स्टाइल है, बट आई थिंक हमारा करेक्टर ऐसे ही ठीक लग रहा है, थोड़ा सा हीरो टाइप लगता है। और कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। चलो इसे सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और एक अच्छा दिया है कि हम कैरेक्टर को अगर हमें पसंद नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी तरह से बाल काफ़ी चेंजेस और तो काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हुए हैं यहाँ पर। ओके हम यहाँ जाना है, एग्जिट टू फ्रंट लाइन। हमें बार बार बताया जा रहा है कोऑप के लिए, हमने अभी भी ऑप्शन लिया नहीं है, डेफिनेटली हम पार्ट में कोऑप ये वाला हम पूरा पूरा सोलो खेलेंगे, तो क्या हमें थोड़ा सोलो गेम प्ले का अंदाज आए अच्छी तरह से। और पार्ट अगले पार्ट पार्ट थ्री में जब हम नया क्लास लेंगे हम डेफिनेटली तभी हम कोऑप का भी ऑप्शन पाएंगे। वो हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे, दोनों भी शॉटगन रखे। साइड आर्म भी हमारे पास नहीं वाली है, हालांकि अभी तक हमने साइड आर्म का यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फ्रंट लाइन आ ही गए तो। ओके बॉस, डू यू सी अ बिग टावर? दैट्स वेयर यू नीड टू गेट द ओल्ड सोलर टावर, बट इट्स अ मेस आउट देयर, एवरीथिंग्स अपसाइड डाउन। या आई नोटिस्ड, डोंट वरी, आई एम कार्विंग माय वे थ्रू इट। बहुत ही स्मूथ गेम प्ले, और ये चालू हो गया हमारा युद्ध, ताकि आगे जितने जल्दी बढ़ेंगे इतना अच्छा है। Let's go.
बहुत ही बढ़िया था। ये हमें हेल्प करेगा पूरी तरह से। बहुत ही बढ़िया है भाई। ये तो पूरा गेम का ही चेंज हो जाता है। अरे बाप रे, ग्रेनेड डाल दिया। भागो 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 ये मारा बाक आ रहा है तो मरेगा। यहाँ पे छूट गया। ग्राफिक्स देखिए यार, मतलब तो सब बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए पार्टिकल इफेक्ट्स, स्मोक इफेक्ट्स, इतनी बढ़िया है। फायर इफेक्ट्स सुपर। अब यहाँ पे क्या करना है? तो क्लोज कॉम्पैक्ट में आई थिंक गोलम जो है वो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और फटाक से शॉटगन निकालो और फिर जो दुश्मन है उस पर भारी हो जाओ। अच्छा वो फास्ट लेवल आ चुका है यहाँ पे। अच्छा ये कुछ नई चीज है, हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा हमारा आरपीजी एलिमेंट आ चुका है गेम में, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। अब तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मिनरल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। Altered. You're too late. What happened here? What does it fucking look like? We got mutilated. We had the bastards cornered, but they had a captain. Where is he? Inside the bunker up the hill. I wish I could look him in the eyes when you make him pay for what he did. I think I'll pay him a little visit. For old time's sake. Alter! Give that captain what's coming to him.
तो यहाँ पे काफ़ी सब क्वेस्ट है, जगह जगह पर ये लोग ने सब क्वेस्ट रखी हुई है और सब क्वेस्ट चालू करने के लिए हमें यहाँ से जाना है। और जो मेन क्वेस्ट है वो जो बड़ा स्टार हम आपको मिनी मैप में दिख रहे हैं वो हमारा मेन क्वेस्ट है। तो डेफिनेटली हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम मेन क्वेस्ट करें या आई थिंक एक हाथ सब क्वेस्ट हम कर सकते हैं। Time I settle up with this captain. Hope he hasn't forgotten me. चलिए दोस्तों, अभी हम ये सब क्वेस्ट जो कैप्टन को मारना है और ये भी होल्ड टू ऑब्जर्व रहते और मारना चालू कर दिए लोग, ये गलत है। अच्छा बाय द वे दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे स्नाइपर भी है। मैंने अभी जस्ट कोई स्नाइपर है जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से टारगेट कर रहा है। और ये देखिए ये जो लेजर बीम दिखती है स्नाइपर वाली है जो हमें बहुत ही भारी गिर रही है। बहुत जरूरी है गन कहाँ से चेंज हो गई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और मेरे पास कोई पुरानी गन है
तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओह शिट, स्नाइपर ने मारा मेरे को वापस। स्नाइपर मेरे को बहुत ही ठीक है, दो स्नाइपर हैं यहाँ पे जिसकी वजह से बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखिए दोनों तरफ से स्नाइपर। काफ़ी बार मरते मरते बचे हम, बट हमारी लकीली हम सर्वाइव हुए हैं और अभी तक जिंदा है। हालांकि और एक स्नाइपर है जो हमें बहुत ही गंदी तरह से पिन डाउन कर रहा है। ये वाला और मारा और इसने तो खाली कर दिया मेरे को पूरा। ये हमारी गलती थी, हम स्नाइपर को मारने के लिए हमारी ग्रेविटी लिप की एबिलिटी को यूज करना चाहिए था बहुत पहले ही, तो इतनी तकलीफ नहीं होती। बट कोई नहीं, धीरे धीरे हमें समझ रहा है कि किस तरह से हमारी एबिलिटी को यूज करें। हम पूरी तरह से हमारी दुश्मन के ऊपर भारी गिर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी हेल्थ भी हमारी फुल हो चुकी है, हमें कोई गन मिले कि चेक करना है। बस काफ़ी गन्स मिले हैं, 24, हालांकि ये 107 है, बट ये सब मशीन गन है। मुझे सब मशीन गन्स इतनी पसंद नहीं है, बट अगर एक और ट्राई ज़रूर कर सकते हैं सब मशीन बनाए। प्राइमरी में तो मैं यही यूज़ करूँगा जब तक मुझे कोई अच्छी नहीं मिल सकती, बट अगर हम सब मशीन गन देखते हैं तो हमारी फायर पावर 124 हो रही है। चलो दोस्तों हम ये वाली यूज़ करके देखते हैं। मिल चुकी है दोस्तों, देखते हैं कौन सी वाली है। 145 ये हुई ना बात, डबल गन स्टैंड, ये वाली बहुत मजेदार होगी। देख लेते अगर हम कुछ भूल चुके हैं कलेक्ट करना यहाँ पे, जैसे मिनरल वहाँ पे था, यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिखा यहाँ पे खाली। हालांकि बैटल ग्राउंड पे मिनरल भूलना बहुत ही इजी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thank you.
Thought I'd have a harder time getting back through. Captain should be holed up somewhere in here. अच्छा ये बॉस फाइट होने वाली है अभी और इसी का दिया गया कि इंटरप्ट स्किल्स बिल्डिंग रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट रेजिस्टेंस. चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूटिलाइज हो सकता है. भाग रहा है. भागो 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 भागो. मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया. बॉर्डर बहुत ही तगड़ा बॉर्डर था. घुसते ही मार डाला. ओके कि मैंने उसको सीधा हल्ला किया अप फ्रंट जो कि बहुत ही बढ़िया था. बट जो आजू बाजू वाले पपलू टपलू थे उन्होंने मुझे ढेर कर दिया. मैं और एक बार उस पर हल्ला करूँगा फिर वहाँ से भागना पड़ेगा मुझे डेफिनेटली. खाली कर दिया था उसको आधा एटले. दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला है ये सिनेरियो. काफ़ी ही फास्ट पेस गेम प्ले है और जो बाउंडर आता है उस बाउंडर आग वाला वो भी बहुत ही हानिकारक है. ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा हमें उसको मारने के लिए. Let's go.
टपलू कहाँ से आ गए? मार दिया बपलू टपलू ने। क्या करें दोस्तों, और एक बार लगातार बॉस लेवल बहुत ही डिफिकल्ट है। या तो हमें वापस आना पड़ेगा फायर पावर को लेके, और ज़्यादा हमारी गन भी उतनी पावरफुल नहीं है। चलो हम यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आते हैं, हमें और पावरफुल गन लगेगी। इस वक्त हम इसके लिए रेडी नहीं है दोस्तों। और यहाँ के तो पपलू टपलू भी हमें मार देंगे, तो अच्छी बात नहीं है। तो डेफिनेटली हम यहाँ वापस आएंगे और भी बेहतर गन लेके। या तो फिर हमें एक दोस्त चाहिए जो बवंडर में, आग वाली बवंडर में हमें हमारी मदद करें। हालांकि ये मिनरल बहुत हैं यहाँ पे, पता नहीं इसका क्या यूज होगा आगे जाके, बट करेक्ट करना चाहिए बिकॉज ही तो इसका ज़रूर इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जाना है आगे। दोस्तों यहाँ पे हम पार्ट 2
2 जो है एंड करेंगे, पार्ट 3 में हम डिवेस्टेटर को और आगे लेके जाएंगे। इस गेम प्ले में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल्स है। डेफिनेटली हमने एक बॉक्स कैप्टन को नहीं मार पाए बिकॉज हमारे पास उतनी फायर पावर नहीं है वहाँ पे, या तो फिर हमें और एक मेरा दोस्त चाहिए, कोई साथीदार चाहिए उसी कैप्टन को ढेर करने के लिए। ये गेम मैकेनिक्स बहुत ही बढ़िया है, गेम प्ले में अगर आप देखोगे तो काफ़ी इन्हें बैलेंस किया हुआ है गेम प्ले को। दोस्तों तो हम अभी यही पार्ट यहाँ ही ख़त्म करेंगे पार्ट 2 को, और हम आएंगे पार्ट 3 के साथ। डिवेस्टेटर हम और आगे लेके जाएंगे, इस क्लास को और बिल्ड करेंगे डेफिनेटली। और दोस्तों आपका प्यार की बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, इससे प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और हमारा जो टेक ट्यूब 247 हैंडल है इंस्टाग्राम का, उसे भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम अपडेट्स आपको और भी अपडेट्स दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ से अलविदा करेंगे, हम आपको मिलते हैं पार्ट 3 में।